देखिए, ये देश जो है फ्रीडम टू एक्सप्रेस, सबके लिए बोलना, अपना विचारधारा रखने का अनुमति है इस, और व्हाट्सएप एक शॉर्ट मीडिया है जो एक दूसरे से जुड़े रहने का माध्यम है। उससे जो न्यूज आती है उसको हम फॉरवर्ड करते हैं। जो मेन जो कार्टून हो या चाहे कोई मैसेज है, वो कहाँ से बनता है, गवर्नमेंट को उसको ध्यान देना जरूरी है। वो जो जहाँ से वो जनरेट हो रही है उस चीज़ को पकड़ें। धमकियाँ दे रहे थे कि आपने ये कार्टून मैसेज फॉरवर्ड बनाया है, आप ही ने इसको फॉरवर्ड किया है, ये सब आ रहा था। तो उन्होंने बोला भी था कि ये फॉरवर्डेड है, किसी ने भेजा है, मैं देखता हूँ किसने भेजा है। लेकिन 12 बजे के करीब में बहुत सारे लोग आते हैं उधर और बोलते हैं कि आपसे बातें करना है, कि आपसे बातें करना है, आप नीचे आ जाओ। और वो मैं डैड जब जाते हैं तो वो सीधा बातें करने के बजाय अटैक कर देते हैं जी। ये कौन थे? शिवसेना के थे। मारने के बाद एक घंटे के बाद उन्होंने दो पुलिस वाले हमारे घर में आए और उनको बोला कि आपके पिताजी को लेके जाने का है, आपके पिताजी पर कुछ चार्जेस लगे हैं। तो मैंने बोला कि अभी उस हालत में नहीं है वो आने के, हम लोग आ जाएंगे, कि आप जाओ हम लोग आ जाएंगे, लेकिन नहीं वो आपको लेके ही जाना है। तो मैंने पूछा कि क्या चार्जेस लगे हैं, तो नहीं बताया उन्होंने। वो बोले, फिर बोला कि आपका कोई मैसेज का इशू है, वो किया है। दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की।